students, I am Tamsa Tyagi, your biology mentor on NEET Rankless. So today I am here to tell you about a university जहाँ पे आपको सिर्फ जीरो फीस में एडमिशन मिल सकता है अपनी MBBS के लिए. तो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. और क्या यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या प्रोसीजर है, कितनी सीट्स अलॉटमेंट रहती है, तो एक एक चीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. चलिए पहले जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी है. सो स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी है आपकी श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, विच इज बेस्ड इन कर्नाटका. और बच्चों, इसके अंदर एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसीजर है जो स्पेसिफिकली यहाँ पे फॉलो होता है, क्योंकि इट्स अ जीरो पेमेंट प्रोसीजर, जीरो पेमेंट एडमिशन है आपकी, फीस यहाँ नहीं लगती. इसलिए गाइज, ये लोग आपसे थोड़ा सा उम्मीदें रखते हैं. और मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज़ें रहने वाली हैं जो कि दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं देखने को मिलती है. सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड टू लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, देन ओनली डिसाइड. ओके, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक साल बाद पछता रहे हैं कि यार मैं इतने स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगी. यहाँ पे कोई फ़ोन, कोई लैपटॉप वैपटॉप कुछ अलाउड नहीं होता, ठीक है. आपको वहीं पे हॉस्टल का फोन यूज करने को दिया जाता है, जस्ट इवन टू टॉक टू योर पेरेंट्स, राइट. चलो, द स्टूडेंट विल बी अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग द होस्टल रेगुलेशंस, राइट. एंड ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशंस इन दिस यूनिवर्सिटी हैव टू कंपल्सरिली यहाँ पे आपको सर्व करना पड़ेगा इन एनी वन ऑफ द फ्री हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश्ड और रजिस्टर्ड बाय द यूनिवर्सिटी. सो इस यूनिवर्सिटी के कुछ रजिस्टर्ड ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो उन्हीं के वही रूरल एरिया के लोगों के लिए बनाए गए हैं. तो आपको वहाँ पे उनके अंदर सर्व भी करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस और फाउंडेशंस. सो इट कुड बी हॉस्पिटल, इट कुड बी इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी फाउंडेशन ऑफ दी स्पॉन्सरिंग बॉडी इन द रूरल एरिया. सो प्लीज ये ध्यान रखना कि ये रूरल एरियाज में बने हुए हॉस्पिटल्स होंगे और मेडिकली अंडर सर्व्ड एरियाज, मतलब जहां तक मेडिकल सर्विसेज जो है पहुंच नहीं पाती. तो वैसे तो देखो यार, आप लोग डॉक्टर एक ही मकसद से बन रहे हो कि आपको सोसाइटी की मदद करनी है. तो जहाँ पे ऐसे एरियाज ऑलरेडी है भाई, आप 1 किलोमीटर में आपको 4-5 हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, तो ऐसे एरिया में सर्व करने से बेटर है. दिस इज समथिंग विच इज वेरी ह्यूमनली. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, तो इससे बेटर मौका नहीं हो सकता, ठीक है. ऐसे एरियाज आपको दिए जाएंगे भाई जिनको मेडिकल सर्विसेज कभी नहीं मिलती है. एंड साथ में ट्रांसफर बाय द यूनिवर्सिटी एट इट्स कंप्लीट डिस्क्रिशन इन द टोटल फॉर सच पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ द ईयर्स द कोर्स स्टूडेंट हैज स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी. यानी आप जितने टाइम तक वहाँ पढ़ रहे हो, कितना 5 साल होता है, ठीक है, तो उतने टाइम तक आपको वहाँ पे जितना टाइम आपने पढ़ा है उतना टाइम आपको क्या करना है. इट विल बी फॉर MBBS मेडिकल कोर्स, इट विल बी 5 years ऑफ कंपल्सरी सर्विस. तो आपको वो 5 साल वहाँ पे कंपल्सरी सर्विस देनी पड़ेगी जितने साल आपने वहाँ पे पढ़ाई की है. ड्यूरिंग दिस सर्विस द यूनिवर्सिटी विल पे द सैलरी. ऐसा नहीं है आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी वहाँ मिलेगी आपको, ठीक है. फ्री में आपसे काम नहीं कराया जाएगा, आपको पढ़ाया फ्री में जाएगा लेकिन काम फ्री में नहीं कराया जाएगा. आपको उतने ही टाइम पीरियड जितना आपने वहां पे पढ़ाई किया, उतने ही टाइम पीरियड आपको वहां पे सर्विसेज भी देनी ही पड़ेगी. इट्स कंपल्सरी, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो ये चीज तो बेटा स्टार चीज है यहाँ पे. तो फ्री में पढ़ाई ऐसे ही नहीं पढ़ाई जा रही है, वो किसी पर्पज से आपको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है. बट हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है कि यूनिवर्सिटी इज वेरी नाइस, फुल इक्विप्ड विद अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज. तो आपको वहाँ पे बिल्कुल मजा आने वाला है पढ़ने में और एकदम फर्स्ट क्लास आपकी पढ़ाई वहाँ पे रहेगी. द स्टूडेंट विल बी कंपल्सरली रिसाइड द यूनिवर्सिटी हॉस्टल. नेक्स्ट चीज, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर ही रहना होगा, ठीक है. तो ये चीज रहने वाली है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ बेसिक क्राइटेरिया क्या है. अगर आप लोग भी सोच रहे कि आपको वहां पे अप्लाई कर लेना चाहिए, तो व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया, पहले आप देख लो आर यू गाइस इवन एलिजिबल देयर और नॉट. सो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 इयर्स ऑफ एज ऑन और बिफोर 31 December, यानी कि आपने नीट 2024 एग्जाम दिया. सो दिस क्राइटेरिया इज बीइंग मेट.
कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ 50% मार्क्स. तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपके बोर्ड में भी 50% मार्क्स आए हुए हो तो ही यू आर एलिजिबल. And physics, chemistry and biology, biotechnology taken together at final examination of the pre-university courses or its equivalent. या फिर आपने ये इनको एक साथ कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में लिया है तो भी you can apply there. In respect to the candidates belonging to the scheduled caste, so if there is this, अगर आपका कोई भी यहाँ से कैटेगरी है एस सी है एस टी है ओ बी सी है तो मिनिमम मार्क्स आपके यहाँ पे दे विल बी 40% instead of the 50%. So general के लिए आपका कितना रहेगा 50% and OBC और SC ST के लिए आपका रहने वाला है 40%. ठीक है, तो category के लिए it would be 40% in all the subjects individually. आपके इतने marks आए हुए हो अपने board exams में तो you guys are eligible. Next thing है, third है, candidate must have appeared in the national eligibility commitment test. बेटा ऑब्वियसली नीट में अगर आपने पेपर दिया है तो ही आप एलिजिबल हैं. अगर आपने नीट नहीं दिया तो आप नहीं कर सकते हैं. एंड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द एमबीबीएस, ऑब्वियसली आपको नीट एग्जाम भी देना है क्वालिफाई भी करना है तो इतना अगर आपने किया है तो यू गाइज आर एलिजिबल फॉर दैट. इन एनी ऑफ द सर्टिफिकेट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज सब्सिक्वेंटली फाउंड टू बी फॉल्स द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल. और बोल रहे हैं कि बेटा अगर आपने वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट गलत दे दिया या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कोई फॉल्स आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट दे दिया या कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स में हुई तो आपकी सीट वहाँ इमिडिएटली कैंसिल हो जाएगी. राइट, नेक्स्ट है कॉमन काउंसलिंग. काउंसलिंग का प्रोसेस आपका कॉमन काउंसलिंग रहेगा दैट इज बाय कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो नीट के तुरंत बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस. सो यू गाइज कैन इवन चेक दिस वेबसाइट दैट इज kea.kr.nic.in. सो यहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्टेट वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं. एंड जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा वो भी इसी के बेस पे होगा केईए के अंदर ही ये सीट आपकी आपको मिलेगी. ठीक है, सो इफ यू गाइस आर विलिंग अगर आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सो प्लीज प्रोसीड एंड डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना. मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दिया है जो जो काउंसलिंग में काम आएंगे. ठीक है, कर्नाटका के लिए स्पेसिफिकली मैंने बोलता कि आपको एक एक्स्ट्रा वहाँ पे सर्टिफिकेट लगता है तो एक बार वो लिस्ट जरूर चेक कर लेना. ठीक है, चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट. और आप लोगों का जो रिजल्ट आपका रिजल्ट है स्कोर कार्ड है बहुत जल्दी आने वाला है सो डू नॉट वरी. फर्स्ट वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग इट. ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे नीट रैंकलर्स के साथ फॉर फर्दर अपडेट्स एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना हु आर विलिंग टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.